रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में रहने वालों के लिए कुरान और हदीस सीखने का सुनहरी मौका बच्चों की इस्लामी तालीमत के साथ साथ दुरुस्त अकायद और सीरत किरदार की तमीर पर ख़ुसूसी तवज्जो देता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरकिन आज का हमारा उन्मान, आज का हमारा मौजू ये के जिनकी नाफ़ टल जाती है अपनी जगह से हट जाती है उन मरीज़ों के लिए एक ख़ूबसूरत अमल मौज़ू बड़ा ख़ूबसूरत है आज का बड़ा अच्छा है अक्सर वेशतर इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं नाफ़ टल जाने का अमल बताइए आज हम बता देते हैं और उसके दो तीन तरीके भी बता देते हैं अमल करने के ताकि आपके लिए अमल करना आसान हो आयत नंबर इकतालीस सुर फातर वला इन ला मिन वलअर्स अन तजूला वालातामसका कान हलीम गफ़ूरा आयत नंबर इकतालीस सूर्य फातर पहला तरीका अमल का बिस्मिल्लाह के साथ लिखें इसका तावीज बनाएं, नाफ के ऊपर बांधे इनशाला नाफ टल जाने का अमल रुक जाएगा नाफ अपनी जगह पे रहेगी आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी एक तरीका तो यह है आपके लिए यह तरीका मुश्किल है आप अगर तावीज नहीं बांध सकते और आपके लिए दिन रात तावीज बांधना मुश्किल हो गया है या आप समझते हैं कि कोई हाथ लगाएगा तावीज का पता चल जाएगा या तावीज उतार के रखना पड़ेगा बहुत से मसाइल होते हैं आप इस आयत मुबारक को पानी पे दम करके पानी पी सकते हैं करना क्या है पानी पे 21 दफा इस आयत मुबारका को पढ़ के दम करना है इस आयत मुबारक को 21 दफा पढ़ना है फिर पानी पे दम करना है पानी पी लें और अगर मरीज पढ़ना नहीं जानता तो कोई दूसरा शख्स जो करीबी हो वो पानी पे दम करके दे दे इक्कीस दफा पढ़े पानी पे फूंक मारे मरीज को दे दे मरीज पी ले इंशाल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा आखिरी और तीसरा तरीका पानी पे दम करके 101 दफा पढ़े और पानी पे दम कर लें पानी रख लें 11 दिन 21 दिन 41 दिन जब तक आप ठीक ना हो जब तक आपकी नाफ अपनी जगह पे ना आ जाए तब तक पानी पीते रहे पीने के लिए वही पानी इस्तेमाल करना है जैसे ही खत्म होने लगे और पानी ऐड कर लें इसकी बरकत से इंशाला नाफ टल जाने के अमल की परेशानी से आप महफूज हो जाएंगे अल्लाह के फजलोकम से और कुरान की बरकत से शिफा के लिए अल्लाह का कुरान काफी है कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ कुरान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ कुरान में तमाम मसाइल का हल है सिर्फ जस्तजू की जरूरत है सिर्फ गौरव फिक्र की जरूरत है सिर्फ गौर व ख़ौज की जरूरत है सिर्फ ईमान को मजबूत करने की जरूरत है जिनके अकायद मजबूत होते हैं जिनके नजरियात पक्के होते हैं जो मुवाहिद होते हैं अल्लाह को वाहद ला शरीक मानते हैं और कुरान को सबसे बड़ी पावर मानते हैं वो कुरान की तरफ रुजू करते हैं और कुरान से ही अपने मसाइल का हल ढूंढ कर फिर उनको हल करते हैं अपने मसाइल का हल पहले कुरान से ढूंढते हैं फिर अपने उन मसाइल को हल करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अकुल्ला वाखिराना अनहमदीन